I created this amazing looking After Effects motion graphics ad in just 10 minutes. Let me walk you through my workflow. Here we are in the After Effects. ये जो assets हैं ये हमने download कर लिए Pinterest से, हमने reference लिया था, उसके बाद ChatGPT से हमने brief ली थी पहले, उसके बाद FreePic से कुछ हमने PNGs और JPGs download किए. FreePic का कोई भी template use नहीं किया है. तो एक burger का ये photo है PNG, ये use किया है. उसके बाद प्राइस के कुछ फोटोज़ हैं, उसके बाद हमने कूल वी टिका एंड सेकेंड फॉन्ट जो है हमारा उसका नाम है बेटर एस्टरडे. जो बैकग्राउंड है उसको येल्लो और ऑरेंजेस के ग्रेडियंट में रखा है ताकि ये फूड फास्ट फूड जैसा कुछ लुक हमें प्रोवाइड करे. उसके ऊपर हमने एक स्मोक लगा रखा है, उसको हमने लीनियर लाइट ब्लेंडिंग मोड में रखा हुआ है. फ़ोन का PNG यूज़ किया है, उसको अंदर से कटआउट करके हमने उसके अंदर एक जो किचन का जो व्यू रहता है उसका टॉपिक डाला है. उसके अंदर एक ब्लैक बोर्ड है, जैसे बाउंसिंग इफेक्ट जो कार्टून्स में होता है वैसा वाला इफेक्ट हमने यहाँ पे दिया है. और जैसे ही वो आता है उसके बाद हमने उसको जूम किया है. जूम करने के लिए हमने देखो विगल करने के लिए हमने उसका जो एंकर पॉइंट है वो यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे कॉर्नर में, उसकी वजह से वो ऐसे विगल हो रहा है. बट जब हम इसको जूम करेंगे तो वो दूसरी तरफ जाता है, इसलिए हमने उसके पोजीशन को भी की लगा के रखी है. पोजीशन स्केल दोनों को एक साथ की लगा के हमने इसे जूम किया है. जूम करने के बाद हमने ब्लैकबोर्ड पे जो हम चौक से लिखते हैं वैसा वाला फॉन्ट यूज़ किया है, उसका नाम है कॉफ़ी टी. डेमो फॉन्ट है बट हमें उसके नंबर्स वगैरह नहीं चाहिए थे, हमें बस बर्गर प्लेस ये ब्रांड का नाम लिखना था. तो हमने वो लिखा और उसको एनिमेशन हमने सिंपल सा दिया है. एक मास्क उसके ऊपर डाला है और जैसे वो जूम होता है हमने मास्क को ऐसे रिवील किया. और उसके बाद वाला जो इफ़ेक्ट है वो जो जूम हुआ था उसको हम वापस लेके जा रहे हैं. और जैसे ही वापस लेके जाते हैं जो बर्गर है हमारा वो फ़ोन से निकल करके आता है और ऐसे जूम करके, यस दैट्स इट. और बैकग्राउंड में साथ ही साथ हमने ये फॉग जो है स्मोक डाला था जो हमने यूट्यूब से डाउनलोड किया है, एक ब्लेंडिंग मोड लीनियर लाइट करके डाला है. वो एकदम स्पाइसी फूड वाला जो लुक रहता है ना वो वाला लुक हमें दे रहा है. और जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं उनके हमने PNG नहीं मिले, मुझे वाइट बैकग्राउंड के साथ मिला, तो मैंने उसको मास्क कर लिया एक फ्राई को. एक मैंने सबसे ऊपर स्केल करके डाला है, उसके बाद उसका कॉपी करके दूसरा एक डाला है, फिर तीसरा सबसे छोटा है और चौथा इस फ़ोन के पीछे डाला है मैंने. और जो सबसे टॉप वाला है उसको मैंने गॉशियन ब्लर डाल के इतना ब्लर किया है. जो सेकंड वाला है पहले से थोड़ा कम ब्लर किया है हमने, फोकल लेंथ वाला जो इफ़ेक्ट होता है DSLR कैमरा से वो वाला आ जाए और ये काफ़ी कूल दिखता है. वाला बगर है उसको हमने डुप्लीकेट करके एक यहाँ पे डाला है और एक यहाँ पे, इन दोनों को हमने 82 का ब्लर दिया हुआ है. और एक इफ़ेक्ट में जाकर अगर हम विगल इफ़ेक्ट सर्च करते हैं कि देखो ये वाला इफ़ेक्ट आता है. इनका जो ब्रीफ था ChatGPT से हमने लिया था, बाइट इन टू द डिफरेंस टुडे, ये काफ़ी अच्छा लिख के देता है ChatGPT. और इसको हमने बेसिक एक स्केल एनिमेशन दिया है. याद रखिए जो भी आप इफेक्ट दे रहे हैं इन सारे लेयर्स को मोशन ब्लर जो है इसको ऑन करना ना भूलें. जो भी की फ्रेम्स दिए हैं हमने जैसे स्केल वगैरह हो गया, इनको हमने ट्राई किया है कि ईजी यूज़ करने को. और एक हमने इफेक्ट डाला है जो बहुत कम लोग नोटिस करेंगे, इसके सैचुरेशन पे हमने की लगाई हुई सैचुरेशन है, कलर्स है वो ज़्यादा इन्हांस होते हैं, तो ताकि इससे आपके जो ऑडियंस है वो लाइक उनको देखने में अच्छा लगता है और वो बैठे रहती है. और ये जो मोशन पोस्टर है ये हमारा है 10 सेकंड का. इसको आप कहीं पे भी इंस्टाग्राम पे जो एड्स रन करते हैं, लीड जनरेशन एड्स जो हम बोलते हैं या फिर अवेयरनेस एड्स होते हैं, उनमें आप ये यूज़ कर सकते हो. और बस इतना ही किया हमने. इसके बाद मैंने इस टेक्स्ट को हटा के फॉर डिज़ाइन और कांटेक्ट करने के लिए मैंने अपना नंबर वहाँ पे डाला है, उसके बाद मेरा नाम भी डाला है शिवा कोरे. और इसको फाइनल अगर हम देखते हैं परफेक्ट. अगर आपको ऐसे कुछ डिज़ाइन सीखने हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं. और अगर ऐसे कुछ डिज़ाइन आपके बिजनेस के लिए चाहिए रहेंगे तो आप मुझे सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वीडियो में ही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.